हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप रिच और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, आज मैं बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी के जीवन से रूबरू कराने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने स्मार्ट वर्क और इंट्यूशन पावर से की दुनिया ही बदल डाली और हमारी लाइफ बहुत ही आसान कर दी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। ये कहना है बिलियनर बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक बहुत ही शाय और इंट्रोवर्टेड नेचर के थे, जिन्होंने अपना सारा बचपन घंटों तक बुक स्टडी किया। जब वो हाई स्कूल में थे तो उनका ओरिजिनल प्लान था कि वो मैथ्स पढ़ेंगे। उनके फ्रेंड एलन ने उन्हें कन्विंस किया कि वो प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाए। बिल गेट्स ने उनकी एडवाइस मान ली और 13 साल की एज में फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना डाला। पर उनके पेरेंट्स खुश नहीं थे, वह चाहते थे कि बिल गेट्स अपना करियर लॉ में बनाए। पर पेरेंट्स की खुशी के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि वो अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर में स्पेंड कर रहे थे और कोडिंग करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और उन्हें लॉ सब्जेक्ट बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं कर रहा था। तो उन्होंने नेक्स्ट मूव लिया अपने ड्रीम्स के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर दिया। फिर उन्होंने अपने दम पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया, पर सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और कुछ क्लाइंट्स बैंकरप्ट हो गए थे। तो बिल ने अपनी सक्सेस की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को फेस किया। वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि 10% कंप्यूटर ही उनके विंडो को यूज़ करती है। ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा। 2 साल बाद घंटों तक हार्डवर्क करने के बाद उन्होंने विंडो 2 रिलीज़ किया और फर्स्ट टाइम विंडो वर्ड एंड एक्सेल को प्रेजेंट किया। एंड फाइनली विंडो एक बहुत बड़ा कमर्शियल सक्सेस और क्रांतिकारी बदलाव आया। 90% कंप्यूटर उनकी विंडो को यूज़ करने लगे और फ्रेंड्स, बिल गेट्स 31 की एज में बिलियनर बन गए। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि 8 साल बाद वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए। आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन हैं। और फ्रेंड्स, हम उनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अगले बिल गेट्स बनने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट करें। सक्सेसफुल बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप एक जीनियस हो, बस आपके पास पैशन और विज़न होना चाहिए। भले ही एक स्मॉल बिजनेस हो, कोई प्रमोशन चाहिए, घर से काम करना पड़े, स्पोर्ट्स हो, न्यू लैंग्वेज सीखना हो या कोई रिकॉर्ड तोड़ना हो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और किसी को ये प्रिविलेज मत देना कि वो आपको डिस्करेज करे। सक्सेस इज अ लूजी टीचर, इट सड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। फ्रेंड्स, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। अपनी लाइफ में स्टूपिड और अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। अगर आप सफ़र कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आखिर मैं कहाँ हूँ, तो खुद से हॉनेस्टली ये सवाल पूछो कि आप अपना प्रेशियस टाइम और एनर्जी किस रिटिकुलस चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो। अपने टेम्पररी प्लेजर के लिए अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय मत करो। इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन एल्स विल बी हायर यू टू बिल्ड देयर्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरी ऑफ मार्क ज़करबर्ग। Mark Zuckerberg is a co-founder and CEO of social networking website Facebook, as well as the world's youngest billionaire. बिजनेस का एक बेसिक रूल है, अगर आप उन चीज़ों को पहले करें जो आसान है तो आप तरक्की कर पाएंगे। ये कहना है 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को आपस में कनेक्ट कराने वाले Mark Zuckerberg का। मार्क ज़करबर्ग ने अपने पिता के साथ प्रोग्रामिंग सीखी। उन्होंने 12 साल की एज में ही एक चकनेट प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्रामिंग से उनके फादर को डेंटल में पेशेंट से कनेक्ट होने में बहुत हेल्प मिली। और आपको ये बात हैरान कर देगी, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल के डाटाबेस को इसलिए हैक कर दिया क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को चेंज करना चाहते थे। दैन उन्होंने एक फेस मास्क वेबसाइट बनाई
मार्क को हैकिंग के लिए पनिश भी किया गया और टीचर मार्क से इम्प्रेस भी हो गए। देन मार्क ने फेसबुक प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाने के लिए अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था। और 8 लाख से भी ज़्यादा लोग एपी से कनेक्ट हुए। मार्क ने एपी कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे अलग अलग वेबसाइट पर डायरेक्ट साइनअप मिला। मार्क ज़करबर्ग से इट्स ओके टू ब्रेक थिंग्स टू मेक देम बेटर। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।